खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की अपडेट लेकर आया हूं मैं राहुल बोझ आप लोगों के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लें। खतरों के खिलाड़ी में आसिम का पहला स्टंट और आसिम के पहले स्टंट में आसिम की बड़ी हार। क्या हुआ है, कैसा हुआ है, आइए बताता हूं इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और किससे हारे हैं आसिम ये भी बताऊंगा। तो अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। दोस्तों आसिम रियाज जो कि स्टार बॉय हैं, और अगर बात की जाए तो टास्क को बहुत अच्छे से इन्होंने अपने सीजन में बिग बॉस में किया था। आसिम की अगर बात करें दोस्तों तो टास्क के मामले में हमेशा आसिम आगे रहा है, लेकिन ये खतरों के खिलाड़ी मंच है दोस्तों, और यहां पर आसिम रियाज को और भी ज्यादा डबल मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आसिम को मिल गया फियर फंदा, यानी कि वो डेंजर जोन में आ चुके हैं। आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ी लड़ाई आसिम और अभिषेक के बीच में हुई है, नैति भी हैं इसमें और अपना शालीन भानोट भी हैं, और यस रोहित शेट्टी साहब भी हैं। और ऐसे में आसिम की अगर बात की जाए दोस्तों तो आसिम रियाज को फियर फंदा मिल चुका है। दरअसल आसिम की जो बड़ी लड़ाई हुई है टास्क के मामले में, जो स्टंट के मामले में हुई है, कश्मीर के साथ हुई है, जो सुम्बुल के सो कॉल्ड ये रह चुके हैं, क्या कहते हैं, को एक्टर रह चुके हैं। तो आसिम और कश्मीर जो है ये एक टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि वाटर बेस्ड टास्क है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई थी, जिसमें कि उनको फ्लैग्स कलेक्ट करने थे। आसिम ने 7 फ्लैग कलेक्ट करे और कश्मीर ने 9 फ्लैग कलेक्ट करे, जिसके चलते आसिम को जो है सेकेंड आ गया और कश्मीर जो है जीत गया, जिसके चलते आसिम को फियर फंदा मिल गया। और अब आसिम को जब फियर फंदा मिला है तो यहां पर आसिम को अपने आप को दोबारा से प्रूफ करना है, जो कि ग्लास वाला टास्क है, जिसमें हमने प्रोमो में ऑलरेडी देखा था, जिसमें आसिम फिसलते हुए नजर आया था। तो दोस्तों आसिम रियाज का पहला स्टंट और पहले स्टंट में ही आसिम को फियर फंदा मिल जाना, ये थोड़ा बहुत अलग सी बात है, ऊपर से अब कॉन्ट्रोवर्सी होगी जो कि कल के एपिसोड में दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ खतरों के खिलाड़ी कंटेस्टेंट्स ने आसिम को बॉयकॉट भी कर दिया है, क्योंकि इंटरव्यूज में लोग ये बात कह रहे हैं कि हु इज आसिम, और प्लस निमृत कह रही है कि आसिम मेंटली स्ट्रांग नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको आसिम का टास्क कैसा लगा, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।